हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है और ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका ऑप्शन है MSTP, SLIP, HTTP और इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWNW, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंचते हैं, देखिए मैं देखिए आप लोग जब भी सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें कोई भी एड्रेस अगर लिखते हैं, जैसे लिखा www. उसके बाद कोई भी साइट, तो यहाँ पे वो कैसे पहुंचता है, कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से पहुंचता है। तो पहुंचता है HTTP की हेल्प से, www जो भी साइट्स होगा उसमें पहुंचेगा ये। तो उसमें कौन हेल्प करता है, ये करता है HTTP। तो हमारा आंसर क्या होगा, HTTP, ठीक है। तो दिस इज द HTTP। और उसके बाद हम लोगों को MSTP के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं HTTP क्या होता है, ठीक है। पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं MSTP, MSTP का क्या मतलब होता है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हम लोग जैसे कोई भी दो सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम लोगों को जोड़ना है, दो या दो से ज्यादा सिस्टम है तो उसको अगर जोड़ना है, इसको लोग वैसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, MSTP को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और जो दूसरा होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो तो मैंने बता ही दिया कि इंटरनेट में किसी भी साइट पर जाने के लिए इस प्रोटोकॉल का हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक है मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम क्या होता है फ्रेंड, मेन फ्रेम होता है काफी बड़ा कंप्यूटर जो कि बड़े बड़े सेंटर पे यूज होते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक सेंटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तो डिजिटल घड़ी में हो नहीं सकता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्या माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी है आप लोगों को। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फास्ट होता है। तो डिजिटल घड़ी में सुपर कंप्यूटर भी नहीं है। और उसके बाद है नोटबुक। नोटबुक क्या होता है, नोटबुक लैपटॉप ही होता है, लैपटॉप का छोटा रूप, ठीक है। तो वो भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर इट्स करेक्ट आंसर। सो एम्बेडेड कंप्यूटर, तो इसको क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे सेट किया हुआ है कि मैं करेक्ट को करूंगा तो ग्रीन होगा और मैं गलत को अगर करेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। याद रखना, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो पहला है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक हार्डवेयर होता है, बिल्कुल सही। कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर के बारे में लोग बात करेंगे। पहले आते हैं माउस पे। माउस क्या होता है, माउस भी एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, वो होता है हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर होगा, ठीक है। प्रिंटर हार्डवेयर होगा, माउस हार्डवेयर होगा, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होगा। अब आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा नहीं कि कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जो भी लिखा जाता है कंप्यूटर में उसको चेंज किया जाता है कंपाइलर में, सॉरी मशीन लैंग्वेज में, बाय यूजिंग कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर कई बार इंटरप्रेटर भी यूज होता है, तो डिपेंड करता है कि क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित पते पर किसी अब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। अच्छा, इसमें कंपाइलर करेक्ट होगा, मैंने बताया नहीं था, ठीक है। इसमें ईमेल बार बार भेजना कहलाता है, उसको
ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, नहीं है पूछा। तो पहला है फोर्टन, फोर्टन एक कंप्यूटर भाषा है। सी सी भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, बेसिक बेसिक भी कंप्यूटर, लेकिन जो फास्ट है फास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो फास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, फोर्टन क्या होता है, सी क्या होता है और बेसिक क्या होता है। तो देखिए ग्रीन हो गया, मतलब करेक्ट है। अच्छा फोर्टन क्या होता है, फोर्टन क्या होता है, एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस क्रिएटेड बाय जॉन बेकस। ठीक है, जॉन बेकस ने बनाया था इसको 1957 में। नेक्स्ट जो है वो सी के लिए है। ठीक है, सी के लिए है ये, और ये क्या है, डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची ने बनाया था सी लैंग्वेज को, कहां पे बनाया था, बेल लेबोरेटरीज में 1972 में, 1972 में बनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज के को किसने बनाया था और कहां बनाया था, तो ये नाम और ये बेल लेबोरेटरीज याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिक, बेसिक इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर इज ऑल्सो हार्डवेयर। उसके बाद आता है असेंबलर, असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में होता है, और ये क्या करता है, सेम वही काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीआरटी, सीआरटी क्या होता है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, जो पुराना सिस्टम होता था उसमें सीआरटी यूज होता था। सीआरटी एक्चुअली में किसके काम करता है, ये मॉनिटर का काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो आउटपुट, आउटपुट डिवाइस है, मतलब हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, तो असेंबलर क्या हुआ, ये हार्डवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं। तो देख सकते हैं जावा, जावा एक लैंग्वेज है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए रेड हो गया। एमएस ऑफिस ये भी नहीं है, ओरेकल दिस इज ऑल्सो नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ यूनिक्स, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। यूनिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग कोड, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म, जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन जावा के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। जावा को डेवलप किया था गॉसलिन ने, ठीक है, कहां पे डेवलप किया था, सन माइक्रोसिस्टम में, कब, 1995 में। ठीक है, तो ये हो गया जावा के बारे में। ठीक है, जावा एक्चुअली में क्या होता है, कॉफी का स्लैंग होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके डिस्कवर जो थे वो कॉफी पी रहे थे और सोचा इसका क्या नाम रखा जाए, तो उन्होंने इसका नाम जावा रख दिया। क्यों, क्योंकि जावा जो है कॉफी का स्लैंग है। अब कहाँ पे है ये नहीं पता है, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए एट्थ क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का। मैं आपको सब पे टिक करके दिखाता हूँ। देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी नहीं है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस वो भी नहीं है, तो क्या बचा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो हमको पता है जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, कभी आप देखेंगे जीमेल में एक फोल्डर होता है स्पैम करके, जो फालतू का जो मैसेज या मेल आता है उसको हम लोग स्पैम में सेंड कर देते हैं, क्योंकि जंक ईमेल होते हैं जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेटा कम्युनिकेशन नियमों का संच, नियमों का मतलब एक तरह से संग्रहालय है, सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज प्रोटोकॉल, और एक्चुअली में प्रोटोकॉल्स होता क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको फॉलो करना होता है, तो डेटा कम्युनिकेशन में उस रूल को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर से फैलने वाला वायरस, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है, तो कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसका आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। और यहाँ पे एक और चीज है, वायरस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है,
तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये फुल फॉर्म है वायरस का। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं जो वायरस के एग्जांपल है कि क्या क्या इनमें से पूछा जा सकता है, ये है क्या। तो देखिए सबसे जो एक लिया मैंने वो है क्रिप्टोलॉकर। क्रिप्टोलॉकर एक वायरस था, मतलब था नहीं है, और आई लव यू, ठीक है, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, बट आई लव यू इज ए वायरस। एंड माई डूम, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ वायरस। उसके बाद है नेक्स्ट है स्ट्रोम वोम, ये भी एक वायरस है। और इसके बाद है स्लैमर, ठीक है। तो ये सब क्या है, वायरस के टाइप है। इनमें से ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि आई लव यू क्या है, ऐसा करके कुछ भी चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो याद रखिए कि ये क्या है, एक वायरस है, ठीक है। तो सब ये वायरस हो गया, और वायरस के डेफिनेशन भी आपको आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। याद रखिए ये बाइट है और ये बिट्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो उसका आंसर होता है 8, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे होगा। सो क्लिक करिए, ग्रीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 होता है बिट्स, 0 और 1 को बोला जाता है बिट्स, इसको बिट्स बोलते हैं, ठीक है। वही जब 4 बिट्स मिल जाते हैं, तो 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक निब्बल बनाते हैं, ठीक है। 4 बिट्स के एक सेट को बोला जाता है निब्बल, और 8 बिट्स के सेट्स को बोला जाता है एक बाइट, ठीक है। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो यहाँ से 8 बिट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसको याद रखिए फ्रेंड, 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 मेगाबाइट कितना होता है, 1024 किलोबाइट। इस तरह से 1 गीगाबाइट कितना होता है, 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1024 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 to the power 10 भी लिखा जाता है, ठीक है। 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024, ठीक है। 2 to the power 10 को 1024 भी लिखा जाता है। तो कैलकुलेशन में इसका हम लोग यूज करते हैं, तो पूछा जाता है कौन सा क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है एक बाइनरी कोड को 12th में क्या लिखा जाता है। इसको पहले हटा देता हूं मैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा वो आपको समझ नहीं आएगा ये रहेगा तो। तो क्या है, बाइनरी कोड 12 में कैसे लिखा जाता है, 12 में बाइनरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बनाया हुआ है कि कैसे बनती है। दिस इज बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है पूरा, और ये इसको कन्वर्ट किया हुआ है किसमें, डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। बाइनरी का मतलब होता है बेस 2, और डेसिमल का मतलब होता है बेस 10। डेसिमल वो नंबर होता है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो देखिए इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। हम लोग बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, इसको लिखिए 1, राइट से स्टार्ट कीजिए, इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2, और इसको लिखिए 4, और ये 8, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, 2 to the power 0, ये होता है 2 to the power 2, ये होता है 2 to the power 3, ये 2 to the power 0, ये 2 to the power 1, 2 to the power 2, और ये 2 to the power 3, तो ये 8 हो गया। अब जहां जहां पे लिखा हुआ है, जैसे 1101, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0, और ये 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 into 1 8 हो गया, 4 को 1 से करिए 4, 2 को 0 से करिए तो 0, और 1 को 1 से करिए 1, तो 8, 4, 12 और 1 13, तो ये हो गया 13। उसके बाद इसी में देखिए 1100, इन दोनों 0 वाले को छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 8 और 4 कितना होता है 12। तो नेक्स्ट में देखिए 1111, तो सब जगह 11 लिखिए, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1110, तो 8, 4, 12 और 2, 14, तो दिस इज 14, तो आंसर हो गया। तो किसी भी कन्वर्जन को हम लोग बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे कोई और होता है, अगर मान लो यहाँ पे 1 और होता, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता 16, ठीक है। तो 14 में हम लोग 16 ऐड करते, तो कितना हो जाता, ये हो जाता 30,
सॉरी सॉरी ये मैं गलत बता दिया, ये एक्चुअली में ये इस साइड होता, इसकी जगह हो जाता, ये हो जाता 16 प्लस 8 प्लस ये 16 ये 8 और ये हो जाता प्लस 4 और ये हो जाता 0 और ये हो जाता प्लस 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए कितना होगा 16 और 24 28 और एक 29, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 29। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 1+1 का द्विआधारी यानी बाइनरी योग क्या होगा, जो 1+1 है वो एक्चुअली में क्या है, बाइनरी है, तो इनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 तथा कैरी 1। तो इसको हम लोग इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर है, 0 और 0 का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 सम और कैरी होगा 0, और इस केस में देखिए अगर ये 0 प्लस 1 को अगर ऐड करेंगे तो सम होगा 1 और कैरी होगा 0, अगर 1 प्लस 0 होगा तो सम होगा 1 और ये 0 होगा कैरी। तो इस केस में जो पूछा हुआ है 1+1 मतलब ये वाला केस है, लास्ट वाला, पहला नंबर 1 दूसरा नंबर भी 1 है, तो दोनों को हम लोग सम करेंगे तो कितना होगा, सम 0 और कैरी 1 होगा, तो इसका आंसर डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे गिवन है आईसी, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आईसी क्या होता है, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और किसका सर्किट होता है, वो ट्रांजिस्टर का सर्किट होता है। तो आईसी को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, भाग डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ संख्या ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पे हम लोग इसको वर्गीकरण किया जाता है, ना कि कंप्यूटर या डायोड या कंपनी के आधार पे, हम लोग ट्रांजिस्टर को संख्या के आधार पे किया जाता है। तो कैसे करते हैं और कौन कौन सा होता है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ डिवाइड किए हुए हैं, तो देखिए एसएसआई, एसएसआई जो सबसे पहला डिवीजन वो होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है एमएसआई, वो है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और जो तीसरा है एलएसआई दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जो फोर्थ है वीएलएसआई दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यूएलएसआई वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ रही है, जो अगर सबसे ज्यादा होगा तो उसको किस में रखेंगे, यूएलएसएसआई में, और उससे कम होगा तो वीएलएसआई, उससे कम होगा तो एलएसआई, उससे कम होगा तो एमएसआई, और उससे भी कम होगा तो एसएसआई। इनका संख्या निर्धारित होता है कि एसएसआई में कितने ट्रांजिस्टर होंगे, एमएसआई में कितने होंगे, वो अभी नहीं है मेरे पास वो डाटा, और वो पूछा भी नहीं जाएगा, पूछा ये सिर्फ इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको इनका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, मतलब शब्द की लंबाई कैसे हम लोग नापते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड वो बाइट नहीं होता, वो बिट्स होता है। मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को रीड करता है, और मशीन लैंग्वेज का मतलब 0 और 1, और 0 और 1 का क्या मतलब होता है, 0 और 1 का बिट्स होता है, तो बिट्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, बिट्स इज द करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट है कंप्यूटर में चिप बनी होती है, कंप्यूटर की जो चिप होती है माइक्रोचिप, वो किससे बनी होती है, उसको याद रखना हमेशा, वो सिलिकन से बनी होती है। ठीक है, सिलिकन से भी होता है जर्मेनियम से, लेकिन सिलिकन को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर स्टेबिलिटी की वजह से। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके नेक्स्ट है एक डाटाबेस में फील्ड होता है, दिस इज नॉट फील्ड, एक्चुअली ये फीड होगा। ठीक है, तो क्या फील्ड होता है उसमें, जानकारी की श्रेणी। जैसे हम लोग कोई भी एक डाटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं रखते, जानकारी की श्रेणी रखते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है। सबसे पहला आता है स्विच। स्विच क्या होता है फ्रेंड, स्विच ऐसे बने होते हैं, ऐसे बना होता है, उसमें कुछ ऐसे बीच में ऐसे ऐसे होता है
कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस कनेक्ट करने के लिए बने होते हैं। तो ये होता है स्विच। तो स्विच कनेक्टिंग डिवाइस है। कनेक्टिंग का मतलब क्या है, एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हब। हब भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, इसी की तरह स्विच की तरह, स्विच से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद आता है राउटर। राउटर आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो इसका भी वैसे ही होता है, मतलब इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, और यहाँ पे इसके इधर और इधर थोड़ा एंटीना जैसे होता है, और यहाँ पे भी हम लोग डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो तीनों है, स्विच, राउटर और हब, ये तीनों ही कनेक्टिंग डिवाइस है। और इसके ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सर्च किया जा सकता है नेट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं नेक्स्ट में, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन होता है इसका मॉडम। मॉडम क्या करता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, मतलब डिजिटल सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और मॉडम का यही संक्षिप्त रूप है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म है मॉडम का, फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है ओएमआर, ठीक है। ओएमआर क्या होता है, ओएमआर आप सबको पता होगा, ठीक है, ओएमआर शीट एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखा रहता है ओएमआर। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, दिस इज द फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत पास पास दिए हुए हैं तो कंफ्यूज नहीं रहा। ये क्या है, ऑप्टल मशीन रीडर, दिस इज ऑप्टिकल मशीन रीडर, और यह है ऑक्टल मार्क रीडर। तो ओ से याद रखना, ओ से होता है ऑप्टिकल, एम से होता है मार्क, और ये आर से कई कभी रीडर भी होता है, और इसको रिकग्निशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिकग्निशन इज ऑल्सो फॉर आर, तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, डकडकगो है, डकडकगो क्या है, एक वायरस है, वेब ब्राउजर है, न्यूज वेबसाइट है, या फिर एक सर्च इंजन है। तो डकडकगो अगर आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, वो एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। डकडकगो में देखोगे उसमें डक का जैसा कुछ चित्र बना हुआ है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, सॉरी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है, कहाँ पे किया है, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो परम का जो किया है निर्माण, वो किया है पुणे में, ठीक है, ये पुणे में किया हुआ है। और इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, देखिए पी से परम और पी से पुणे, तो इसको याद आसानी से रखा जा सकता है। अब परम के बारे में कुछ और एडिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो पुणे में जो निर्माण किया गया है सुपर कंप्यूटर, वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक कहा जाता है इसको शॉर्ट में। इसका सीडैक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिए, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये पहला स्वदेशी है सुपर कंप्यूटर, पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, ये भी याद रखिए। और इसको किसने, इसके जनक कौन है, विजय भाटकर जी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। ओके, हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित कहाँ है, देहरादून में स्थित है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, WWW का आविष्कारक कौन है, तो याद रखिए WWW का जो आविष्कारक है वो है टिम बर्सन ली, ठीक है, टिम बर्सन ली। और यहाँ पे आपको WWW का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। कब बनाया था ये, 1989 में, किसके द्वारा,
टिम बर्सन ली के द्वारा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहते हैं। तो हार्ड डिस्क तो नहीं होता है, ठीक है। स्मृति मतलब मेमोरी, सॉरी मेमोरी भी नहीं होता, कुंजी पटल ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है? सीपीयू। अब से यहाँ पे सीपीयू के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है कि सीपीयू एक्चुअली में होता क्या है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है और सीपीयू में क्या क्या होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में क्या क्या होता है? तो सीपीयू में तीन चीजें होती है, ये फर्स्ट है एएलयू, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू एक्चुअली में क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, और लॉजिक यूनिट, लॉजिक मतलब वो जो और एंड नॉट उस टाइप के जो लॉजिक होते हैं उसको, और कंट्रोल यूनिट होता है उसमें, ठीक है, कहाँ? एएलयू में। और तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है सीपीयू में। ये पूछा जा सकता है कि तीन चीजें कौन कौन सा होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिया जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटिंग करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है, और क्या करता है? आउटपुटिंग भी करता है। लेकिन क्या नहीं करता? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। आपने कंप्यूटर को कोई भी डाटा दिया, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है कि आपने जो डाटा दिया है वो करेक्ट है, नहीं है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स आंसर विल बी अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? ठीक है, तो सबसे तेज जो होती है वो ये क्या है? द्वितीयक मेमोरी। यह है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं जिसको कुछ सेव करने के लिए, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव होता है या फिर सीडी होता है या डीवीडी होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैश स्मृति होगा, मतलब कैश मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे हमको रैम और रोम के बारे में भी जानना जरूरी है, तो रैम और रोम के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि गलत है इसलिए रेड हो गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो रैम को क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दिस इज रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग सिस्टम में जब भी काम करते रहते हैं, तो अगर लाइट अगर अचानक चली जाएगी तो उसमें जितना भी काम किया रहता है वो सब लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारा काम कहाँ पे होता है? वो सारा काम रैम पे होता है। तो इसलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो जिससे नष्ट हो जाए बिजली के जाते ही। और दूसरा होता है रोम, जो होता है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको ना ही उसमें कुछ राइट कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यह है 30th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस, तो यूपीएस एक्चुअली में होता क्या है? जैसे हम लोग सिस्टम पे अगर काम कर रहे हैं, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, तो अगर काम कर रहे हैं और अगर अचानक लाइट चली जाए, तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो अगर उसको सेव नहीं किया होता है तो पूरा लॉस्ट हो जाता है। तो उस कुछ टाइम दिया जाता है ताकि हम लोग उसको सेव कर सके, ठीक है। एक्चुअली में यूपीएस क्या होता है? पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो याद रखिए, पावर सप्लाई करता है क्यों? ताकि हम लोग जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसको हम लोग सेव कर सके, तो जो डाटा हमारा है वो लॉस्ट ना हो, तो उसके लिए यूपीएस। तो पीएस का मतलब होता है पावर सप्लाई, तो इसलिए देख सकते हैं, देखिए इसमें भी पावर सप्लाई है, ठीक है, और इसमें भी पावर सप्लाई है, लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल है और यह अनइंटरप्टेड। तो याद रखिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज द करेक्ट आंसर, नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल करेक्ट नहीं है, अनइंटरप्टेड करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट।
तो ओके फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।